सियासत के सबसे बड़े केंद्र उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने लोकसभा की 80 सीटों का टारगेट रखा था, लेकिन 80 तो छोड़िए, उसे आधी सीट भी नसीब ना हुई, जिसका खामियाजा ये हुआ कि केंद्र में यूपी की भागीदारी कम हो गई, क्योंकि इस बार न सिर्फ राज्य में कम नेताओं को मंत्री बनने का मौका दिया गया, बल्कि महिलाओं की संख्या को भी घटा दिया गया। मोदी 3.0 में सिर्फ एक महिला सांसद को मंत्री बनाया गया है, वो है अपना दल सोनेलाल की अनुप्रिया पटेल, जिन्हें मिर्जापुर लोकसभा सीट से 37,000 वोट से चुनाव जीतने के बाद मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। सोनेलाल पटेल की विरासत को संभाल कर उसे आगे बढ़ाने वाली उनकी बेटी अनुप्रिया पटेल एनडीए की सरकार में तीसरी बार मंत्री बनी है। अनुप्रिया पटेल अपना दल एस के नेतृत्व कर रही है। जहां इस कार्यकाल में यूपी से एक महिला सांसद मंत्री बनी है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में 3 महिला सांसद मंत्री बनी थी। इसमें स्मृति जुबिन ईरानी, अनुप्रिया पटेल और साध्वी निरंजन ज्योति शामिल थी। लेकिन इस बार 8 सीटों पर बीजेपी ने जिन महिलाओं को लड़ाया, उसमें से महज 2 सीटों पर ही पार्टी को जीत मिली। एक है मिर्जापुर और दूसरी है मथुरा। चलिए अब आपको बताते हैं कि यूपी में बीजेपी ने इस बार कहां कहां से महिला प्रत्याशियों को उतारा था। बाराबंकी से राजरानी रावत, आजमगढ़ की लालगंज सीट से नीलम सोनकर, धौरहरा से रेखा वर्मा, सुल्तानपुर से मेनका गांधी, फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति, अमेठी से स्मृति ईरानी, मथुरा से हेमा मालिनी और मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल। इन सभी में से 6 महिलाएं सदन तक नहीं पहुंच पाई। ऐसे में यूपी से महिलाओं की केंद्र सरकार में भागीदारी कम होना लाजमी सी बात है, जिस पर मंथन भी अब बहुत जरूरी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।